कुछ नहीं है मेरे पास, वो छोटे छोटे बच्चे। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर भुवः सः तत् सवितुर् वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चिंतन कीजिए, भावना कीजिए। पहले हमारा प्लान था कि रामघाट जाएंगे, लेकिन फिर चेंज हो गया। अभी हम जा रहे हैं हनुमान धारा, जहाँ हम रुके थे वहाँ से 4 किलोमीटर है। अभी रोड की हालात इतनी ख़राब है कि गाड़ी वाले को ना सफ़र ना हो रहा। अगर हम साइकिल वाले चल रहे हैं, जगह नहीं है, हॉर्न बजाए जा रहे हैं भाई कि पहले हमें जगह दो, जय श्री राम, कि फिर बाद में तुम जाना। तुम भाई कैसे कैसे लोग हैं यार, समझ ना आ रहे। तो दोस्तों, नए दिन की शुरुआत करते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय भोले, जय शंकर, जय श्री राम। आज है हमारा 300 व्लॉग का 11वां व्लॉग, और हम पहुंच चुके थे रात को चित्रकूट में। चित्रकूट एक ऐसी जगह है जो दो स्टेट में आती है, आधी उत्तर प्रदेश में और आधी मध्य प्रदेश में, और ये साथ ही में एक डिस्ट्रिक्ट भी है। जो हमारी 600 सीढ़ियों की यात्रा थी वो शुरू हो चुकी है, और रास्ते में हमें बहुत सारे बंदर, लंगूर बंदर, बकरी, कुत्ते, जय श्री राम। थोड़ा डर लग रहा है भाई, कहीं सामान ना छीन ले जाए, ऐसे तो दिक्कत नहीं है। और जगह जगह पर आपको हनुमान जी की मूर्तियाँ रखी मिलेंगी, तो आप दर्शन कीजिए और हनुमान जी का नाम लीजिए, और जगह जगह पर आपको हनुमान जी मिलेंगे। देखो कितने सारे, जय श्री राम। भाई डर तो लग रहा है, क्या करें, अब रुक के हम तो खड़े हैं, हमें नहीं पता लग रहा है कि भाई जाए कि नहीं जाए। बाकी अगर हम डर के भाग गए, हमारे पीछे लग गए ना, तो हम ज़्यादा नहीं जा सकते। भाई ये मेरे पास आ गया था, तो जय बजरंगबली महाराज की जय हो। किसी को यहाँ आके कह रहा था वो कुछ, भाई क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, वो ले रहा था कुछ, हमारे पास सामान होता ना, ये बैग है यार। डर तो है यार इतने, जब क्योंकि हमने सुना है कि जब लंगूर बंदर हमला करता ना तो ऐसे चपेट मारता है भाई। सारे पड़ेंगे एक साथ, एक नहीं, एक हो, दो हो, तीन हो, देखे जाए ये है 12-13। वो दो वहाँ बैठे, एक वो भाग गया। चलो साथ में चलेंगे, जैसे भी भाई। भाई डर तो ऐसे, डर मत यार, सीधा चलता रहा बस। जय श्री राम, जय श्री राम। खतरनाक वाला सीन था। जय बजरंगबली महाराज की जय हो। तो ऊपर तक पहुंच चुके हैं, और ये सामने है मंदिर के लिए रास्ता। वैसे ये वाला भी है, लेकिन ये जाएगा नीचे की तरफ, और हम आए हैं इस वाले रास्ते से, देखेंगे इसी से जाएंगे। बाकी एक बार दर्शन करके फिर आते हैं। ये एक ये छोटा सा हवा महल है, 1 2 3 4, जिसमें 4 खिड़कियाँ लगी है। कमला पसंद यहाँ पे है ना। हाँ, और ये यूपी की आन बान शान, कमला पसंद। वाह, मतलब आप सोचो क्या है ये, अभी ना बरसात हो रही थी हवा से ऊपर, वो क्या रोपवे में से कमला पसंद खाके लोग बरसात कर रहे थे। ये यूपी है भैया, यूपी है, ये उत्तर भारत है, ये उत्तर भारत। वाह, नॉर्थ ईस्ट में इतनी गंदगी नहीं मिलती, लद्दाख कश्मीर में इतनी गंदगी नहीं मिलती। साउथ इंडिया जा रहे हैं वहाँ पे भी दिखा देंगे है या नहीं, लेकिन नॉर्थ इंडिया में मिलती है, दबा के मिलती है, भर भर के मिलती है। आप ले जाओ, आपको कचरे की कोई कमी नहीं मिलेगी। असल में ना यहाँ पे लोग कमजोर हैं, तो अगर पैकेट अपनी जेब में डाल लें 1 ग्राम का, तो वजन लगेगा, वजन लगेगा, गिर जाएंगे। भाई देख लो, हम मजाक नहीं कर रहे। देखो एक वो रहा राजू इलायची, ये अपना कमला पसंद। हाँ, और ये देखो पीक मार रखी है। देखो यार, आप ऐसी जगह पे, अगर मैं सोच नहीं सकता कि कैसे कर सकते हो आप ये चीजें यार। यहाँ पर नीचे से जो हमने पहली सीढ़ी शुरू की थी, अब वो सीढ़ी यहाँ पे आके खत्म होती है, और खत्म होने के बाद में आपको दिखेगी ये अपनी प्राचीन इतिहास की चट्टाने। बाकी जो मंदिर बना है इसी चट्टान को काट कर बनाया गया। देखो, अय जय बजरंगबली।
इधर में दुकान है। यहाँ पर एक तालाब भी है जो ऊपर से पानी आ रहा ना, और देखेंगे कि ये पानी आ कहाँ से रहा है, कि तालाब में कितना साफ पानी आ रहा है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। अभी हम हनुमान जी के दर्शन करके तो उससे ऊपर जो सीढ़ियां जा रही है ना वहाँ आए, और यहाँ पर सीता माता जी का मंदिर है और भोले जी का मंदिर है, और यहाँ पर बहुत सारे स्टॉले हैं खाने पीने की, समोसे वगैरह। बाकी उधर जाओगे तो वहाँ से पूरा व्यू दिखेगा नीचे का। बाकी हमारा हो गया यार, दर्शन कर लिया, हनुमान जी के प्रसाद मिल गया और खा भी लिया। और जो धारा हनुमान जी के बाय भुजा पर गिरती है ना, उसका पानी फिर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अगर आप सोचोगे कि ऊपर दिख जाएगा, आपको धारा नहीं दिखेगी भाई, वो पहाड़ों के बीच में से यहाँ रखी कहीं ना कहीं से, तो यहाँ देखने को मिल जाएगी आपको पूरा। अंदर तो फोटो वीडियो अलाउड नहीं है कि जय बजरंगबली महाराज की जय हो। जय बजरंगबली। तो हमारी जो यात्रा थी हनुमान धारा के लिए वो यहाँ से शुरू होकर यहीं पे ख़त्म हो गई। अभी अपनी जाके साइकिल देखते हैं, और भूख लग गई भाई। वो हमारे साथ में ना वो पिल्ला जो है वो हमारे साथ ही निकल लिया, तो यहाँ पे बैठा, तो हम फिर उसको उठा के ले आएगी कुछ खिलाने के लिए देंगे इसको। और 4 बज चुके हैं, वैसे हमें लगा था कि हम 1 घंटे में आ जाएंगे दर्शन करके, लेकिन भाई 2.5 घंटे लग गए वहाँ जाने में, रुकने में। फिर वहाँ पर बैठ के हनुमान धारा की हमने कहानी सुनी। वैसे पंडित जी ने बताया कि जब हनुमान जी लंका जला के आए थे वापस, तो उनके ना एक होता कि सीने में आग रहती है, बाहर वाली आग तो उन्होंने समुद्र में बुझा ली, लेकिन उनके अंदर की जो आग थी ना वो बुझा ना पाए। तो फिर उन्होंने राम जी को बुलाया, और फिर राम जी ने अपने बाण से धरती में, मतलब वो होता ना कि जो धारा निकल जाती है बाण से, वो ऐसा ही कुछ सीन था। और उसके बाद हनुमान जी की वो जो सीने में आग लगी हुई थी ना वो बुझी थी, और इसी वजह से यहाँ का नाम पड़ गया था हनुमान धारा। ये है राम घाट, अभी ना जो मेन एंट्रेंस है वो उधर से है। बाकी मैं आपको एक साइड व्यू दिखाता हूँ कि एक्चुअली में ना ऐसी जगह पर क्या करते हैं लोग। अभी राम घाट को ना लोगों ने देखो क्या बना रखा है, या फिर सुबह फ्रेश होते हैं, शाम के टाइम जो भी फ्रेश होते ना, इधर में ये पूरा देखो ना गंद मचा रखा भाई, उधर में देखो एकदम गंद मचा रखा यार। राम घाट के मेन एंट्रेंस पे आपको सबसे पहले दिखेगा महादेव जी का मंदिर, और यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखा चरखारी मंदिर। बाकी ये है राम घाट जाने का रास्ता, इधर पे भी जा सकते हो, और ये पूरा जा रहोगे तो आप ये जो मंदाकिनी नदी है ना इसको पार कर सकते हो। तो चलिए एक बार देख के आते हैं, और फिर आपको यहाँ की जो कहानी है वो हम बताएंगे। चलिए अब आपको राम घाट की कहानी बताते हैं। जब प्रभु श्री राम जी 14 वर्ष के वनवास के लिए निकले थे, तब उन्होंने अपना 12 वर्ष चित्रकूट में बिताया था, और उन 12 वर्षों में से एक हिस्सा इस जगह पर बिताया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया था राम घाट। और यहाँ पर तुलसीदास जी उस समय भजन कीर्तन किया करते थे, और ये अपने हिंदू धर्म के लिए इतना पवित्र स्थान है कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं दूर दूर से, जिन लोगों को पता है चित्रकूट के बारे में, वो यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं, और इस मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं, क्योंकि जो उनके पाप होते हैं या कोई रोग होता है ना वो धुल जाता है। और आप बोट की फेरी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो मंदाकिनी नदी में। और यहाँ का जो आरती का टाइम है वो है शाम के 6:30 बजे। बाकी लोगों ने ना भाई देखो यहाँ पर अभी एक चल छोड़, बाकी इतना गंद नहीं करना चाहिए भाई ऐसे पवित्र जगह पर आकर, अब इतना ही नहीं यार, ये बहुत गलत चीज़ है जो आप कर रहे हो ना। इधर में सब कूड़ा कचरा, कोई छत पे जा रहा है जहाँ आ रहा है वो फेंक दे रहा है, उधर में वो पत्थर, वाह रे मेरे भैया, कोई भंडारा करके गया हो, कोई प्रसाद बांट के गया, उधर ही देखिए खाली जगह गिरा दो बस भाई, बहुत गंद फेंक रहा है, इतनी बदबू मार रहा है यहाँ पे मैं बस पता, क्योंकि ये पानी ना, जब पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है चलता नहीं, तो बदबू उधर में कचरा। और किसी को मंदाकिनी नदी में घूमना है तो यहाँ का रेट मैं बता दूँ, ये जैसे बोट है ना तो इसमें 12 लोग जाते हैं, 12 लोग, और पर बंदे का मतलब 100-120 रुपया हो जाता है ना। अगर किसी को अपनी बुक करके जानी है, चाहे वो 2-3 हो या 5 हो, तो उसके हिसाब से अलग अलग रेट है। ये भाई का बोट है, तो हमने भाई से थोड़ा जानकारी लिया, तो जय श्री राम भाई जी, धन्यवाद आपका। और कहीं कहीं यहाँ का नज़ारा जो अयोध्या में राम की पौड़ी है ना बिल्कुल वैसे ही लगता है। इधर में ये राम घाट हो गया और राम की पौड़ी इधर में, और वो जो नज़ारा देखते ना मंदिरों का, जहाँ पर अभी लाइट शो लेजर शो चलता है, बिल्कुल सेम वैसे ही नज़ारा है, ये गजब है यार। बाकी यहाँ का भी जैसे भगवा कलर का रंग का रखा ना, थोड़ा लाइट वाइट हो जाए,
बाकी रात का भी मैंने सीन देखा नहीं है कैसा होता, रात को ही देखेंगे। फिलहाल अभी का नज़ारा ये है। धन्यवाद। चाय बढ़िया भाई है, जो छोटे भाई बहन चाय बनाते हैं ना, गजब है। और अगर आप आ रहे हो ना चित्रकूट में राम की पैड़ी चाय पूरा, बाकी गजब की चाय बन गया ना। जहाँ हमने चाय पिया था उससे अब थोड़ा आगे आ रहे हैं घाट की तरफ, बाकी लाइट वाइट हो गया, शाम हुआ, हम इंतजार ही कर रहे थे कि कब 6:30 बजे और हम आरती देख के जाए। तो फिलहाल अभी 6:30 नहीं, इससे पहले का टाइम है, लेकिन घाट पे भाई बढ़िया एकदम लाइटें लगा रखी है। और घाट पे लोगों ने अपनी बोट को ना कितना मस्त तरीके से सजा रखा है, एकदम लाइटिंग, उसके बाद में ये मालाएं वगैरह, उसके बलून, और वो देखो क्या चल रही है एकदम बोट। ऐसी चीज़ें होती है जब आप अंधेरे में ना किसी लालटेन वाले बंदे को देख ले, जो लालटेन लेके आ रहा होता ना, ऐसा ही लग रहा। अभी मैं आपको थोड़ा ऊपर चढ़ के दिखाता हूँ क्या सीन है अभी मंदाकिनी नदी में। वो देखो उधर में जो बोट वगैरह लेके आ रहे हैं जा रहे हैं ना, अभी यहीं कहीं अभी घाट पे जहाँ आरती होगी अभी 6:30 बजने वाले हैं। वो देखो वो नज़ारा एकदम क्या शानदार है, देखो ये देखो शानदार। अभी आरती हो ही रही है और यहाँ पर हमें महादेव जी और माता गोरा जी दिख गए।